कंचन की बहू शीला थी। शीला बहुत आलसी थी। वो हमेशा से आलसी ही है और काम को लंबे समय तक करते रहती थी। इसीलिए कंचन की चचेरी बहन सुनीता बहुत गुस्से में रहती थी। एक दिन शीला 10 बजे तक सो रही थी, तब तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली। ये देख के कंचन गुस्से में कहने लगी, मुझे तुमको कितनी बार बुलाना पड़ेगा? क्या तुम अभी भी सुबह के 10 बजे तक सोओगी? कंचन जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन शीला उन सभी को नजरअंदाज करते हुए आलस में लेटी रही। मैं तब से चिल्लाए जा रही हूँ और तुम एक जवाब भी नहीं दे रही हो। अब तो मुझे जाके देखना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो शीला के कमरे में गई। शीला ने ये चीज देखी। वो मेरे कमरे में आ रही है, मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि वो आए और मेरा सर खाए। उसके बिस्तर के बगल में रखे हुए तेल के कटोरे से तेल वो दरवाजे के सामने फेंक दी। गुस्से से कंचन दरवाजे के पास आई और उसका पैर फिसल गया उस तेल में। हे भगवान, मेरा कमर टूट गया, मैं मर गई। तुम कितनी घमंडी हो जो तुमने मुझे इस तरह गिरा दिया। मैंने आपको नहीं गिराया, आप खुद उत्सुकता से मेरी नींद में खलल डालना चाहती थी, इसीलिए भगवान ने ऐसा किया। तुम ना दिन ब दिन आलसी होते जा रही हो। जाओ और घर की सफाई करो, मैं सब्जी खरीदने जा रही हूँ। ये कहकर कंचन वहाँ से चली गई। शीला कुछ देर बाद बिस्तर से उठी, फर्श से तेल पोछा और कमरे से बाहर चली गई। मुझे अभी जाना होगा और पूरे घर को जल्दी से साफ करना होगा, नहीं तो वो वापस आने पर चिल्लाना शुरू कर देगी। उसी आलस्य के साथ उसने धीरे से झाड़ू लिया और झाड़ू लगाना शुरू किया। झाड़ू लगाने के बीच में उसे भूख लगने लगी और वो रसोई में चली गई। अरे बाप रे, बिना एनर्जी के काम करना बड़ा मुश्किल है। खाने के बाद काम आराम से हो सकता है। फिर उसने खाना पकाया, सारी सब्जियां मिला के। खाना पकाने में थोड़ा वक्त लगेगा, चलो थोड़ी देर हॉल में आराम कर लेते हैं। ये सोचकर वो चली गई और बैठ गई। इसमें थोड़ा वक्त निकल गया। लगता है अभी तक खाना बन गया होगा, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं है वहाँ जाके खाने की। व्रत रख लूं तो कैसा रहेगा? ऐसा सोचकर किचन में जाके खाना पड़ोस के खाने में भी उसे आलसीपन लग रहा था। थोड़ी देर बाद चूल्हे पर खाना बनने वाला बर्तन काला हो गया, जो सब्जियां उसमें पक रहे थे जल गए, लेकिन शीला वहाँ से नहीं हटी। इस बीच कंचन सब्जियां लेकर घर वापस आ गई। जब वो घर आई, शीला को बैठे हुए देखकर वो गुस्से में कहने लगी, अरे घर में कैसी बदबू आ रही है, तुम तो बड़ी आलसी हो। वो सासू माँ। कंचन गुस्से से रसोई में गई। जले हुए पकवान को देखकर वो कहने लगी, अरे ये क्या, सारा खाना जला दिया। माँ जी, आप आते ही शुरू हो गई। मैंने आलस से ये सब नहीं किया, आपको अगर इतना ही था तो सारा खाना पका के काम करके जाना था। ये सुनकर गुस्से में कंचन कहने लगी, मुझे इस तरह से कहानियाँ मत सुनाओ, एक भी काम पूरा नहीं हुआ अभी तक, तुम झूठ बोल रही हो। तुम बस बैठी हुई थी सोफे में, जाके खाना को चलाना होता है, बैठे बैठे नहीं पकते खाना, इसीलिए जल के राख हो गया। ऐसा वो भाव करने लगी कि कुछ हुआ ही नहीं है। जब सासू माँ ये सारी बातें कह रही थी, वो अपने सर को झुका के खड़ी थी। इस आलस से कब छुटकारा मिलेगा, कब ये घर ठीक से चलेगा, पहले तुम ये बात बताओ मुझे। इस तरह वो बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई और कहने लगी, इस तरह की लेजी बहू जिस घर में होगी वहाँ पे हर दिन मुश्किल भरा हुआ रहेगा। इस तरह कुछ दिन निकल गए। शीला के पति राजू, जो ऑफिस के काम के वजह से दूसरे शहर गए थे, वो घर वापस आ गए। जब वो पहुँचे, कंचन ने राजू को बुलाया। अरे राजू, तुम्हारी पत्नी का आलस दिन व दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। चाहे मैं उसे कितनी भी बार कहूँ, उसके आलसीपन के कारण घर पर बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वो उठकर वहाँ से चला गया। जब वो कमरे में गया, आपके घर पे आने पे आपकी माँ कुछ कह रही थी, वो मेरे बारे में कह रही थी ना? हाँ, तुम्हारे बारे में। तुम बहुत आलसी हो तो तुम्हारे बारे में ही कहेंगे ना। हे भगवान, तुम उनकी परवाह मत करो, सासू माँ तो बस जानबूझ के मेरी अपमान करती है। तुम बस किसी चीज की परवाह मत करो। इस तरह से 3 दिन निकल गए। एक दिन
रामू घर से निकला 3 बजे और जब वो घर वापस आया उसे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। शीला जल्दी से कुछ ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर वो रसोई में गया, वहाँ जाके देखा शीला धीरे धीरे सब्जियाँ काट रही थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। तुम इस वक्त सब्जियाँ क्यों काट रही हो? इस बीच कंचन वहाँ पहुँची। मैं सुबह 10 बजे से कह रही हूँ लेकिन उसने अभी शुरुआत की है, देखो इस आलसी को। क्या तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं है? इतनी आलसी क्यों हो? एक बार फिर से अगर तुमने ऐसा ही किया ना फिर देखो। ये कहकर उसने कड़ी चेतावनी दी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन शीला एक नम कपड़े से घर को पोछा लगा रही थी और कुछ करने का नाटक कर रही थी। उसने काम करना बंद कर दिया और बीच में टीवी देखने लगी। इस बीच रामू तेजी से चल के आने लगा और पानी में पैर लग के वो वहाँ पे फिसल के गिर गया। अरे कोई है, जल्दी से आओ, मुझे उठाओ, शीला जल्दी आओ। शीला धीरे धीरे आई और राजू को उठाई। ये देखकर राजू कहने लगा, तुम ये बताओ काम रोक क्यों दिया तुमने और टीवी देखने लगी? अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने गिर जाए तो तुम इतने धीरे धीरे आओगी? तुम कभी नहीं बदल सकती। ये कहकर वो गुस्से से चला गया लेकिन शीला ने उसकी परवाह नहीं की। ऐसे कुछ दिन निकल गए। एक दिन जब वो अपने बालों में तेल लगा रही थी तो तेल की बोतल नीचे गिर गई। राजू ने ये देखा, शीला देखो तेल गिर गया है, अगर तुम जल्दी से साफ नहीं करोगी तो पैर फिसल के तुम गिर सकती हो। ये बात उसने शीला से 2 बार कही, शीला ने हाँ कह दिया। उसके आलस के कारण वो परवाह नहीं की जो उसके आँखों के सामने पड़ा हुआ था। इतना कुछ होने के बाद शीला उस बारे में भूल ही गई और जाकर उसी तेल में अपना पैर दे दिया। उसका सर दीवार से टकराया, वो स्लिप करके नीचे गिर गई और उसका हाथ टूट गया। रामू उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले गया और डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। डॉक्टर ने उसके सर पे और हाथ में पट्टी बांध दी। देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था, अगर कोई और फिसलता तो क्या होता, लेकिन तुम ही अपने आलस के कारण उस तेल में पैर रख दी और फिसल के गिर गई। मैं समझ सकती हूँ आलसीपन के कारण कितनी कठिनाइयाँ आ सकती है, मुझे माफ कर दीजिए, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। उस दिन के बाद से शीला ने आलस छोड़ दिया और समय समय पे हर काम करने लगी। एक समय की बात है, एक गांव था और उस गांव में एक सास और बहू रहती थी, पद्मावती और ललिता। राजेश नौकरी की वजह से शहर में रहता था। पद्मावती का पति प्रसाद की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, इसी कारण पद्मावती राजेश की देखभाल करती थी और उसकी शादी ललिता से करवा दी थी। एक दिन जब ललिता घर के आंगन में काम कर रही थी, एक साड़ी बेचने वाला वहां चिल्लाते हुए गुजरा, ले लो साड़ी, ले लो मस्त साड़ी, ले लो बहुत सस्ते दामों में, ले लो 100 के 4 ले लो। ये सुनकर ललिता ने साड़ी बेचने वाले को बुलाया, अरे ओ साड़ी वाले इधर आना। ये सुनकर साड़ी वाले ने कहा, देखिए मैडम आप कई तरह की साड़ियाँ सस्ते दाम में ले सकते हैं, अगर आप ये साड़ियाँ पहनेंगे तो आप संक्रांति के उत्सव पर लक्ष्मी देवी की तरह लगेंगी, सही कह रहा हूँ? फिर उसने लाई हुई साड़ियाँ एक एक करके दिखाने लगा। इस बीच पद्मावती बाहर आई, अरे ललिता क्या तुम साड़ी खरीद रही हो? घर पर पहले से ही बहुत सारी साड़ियाँ है, और कितनी साड़ियाँ लोगी? कहाँ बहुत सारी साड़ियाँ है सासू माँ, मेरे पास सिर्फ 2 साड़ियाँ है, उस सब पर पहनने के लिए साड़ी नहीं है मेरे पास सासू माँ, सच कह रही हूँ मैं। क्या तुम हमारे परिवार के सम्मान के बारे में नहीं सोचती जो इस तरह की बातें तुम व्यापारी के सामने कर रही हो? व्यापारी ये सब कुछ देख रहा था, फिर उसने कहा, मेम साहब कृपया इन पर गुस्सा ना कीजिए, ये तो सिर्फ एक ही साड़ी खरीदना चाहती थी, गुस्सा ना कीजिए। क्या तुम अब मुझे इस आदमी से सीख दे रही हो? मैं तुम्हें 1 भी रुपए नहीं दूंगी, अपने पैसे से खरीदना है तो खरीद लो। वो गुस्से में ये सब कहकर चली गई। फिर ललिता को बहुत बुरा लगा। ये देखकर सारी व्यापारी ने कहा, मेम साहब आप मेरी बहन जैसी है, कृपया ये साड़ी ले लीजिए और रख लीजिए, आप पहनेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी मेम साहब। ये सुनकर ललिता ने कहा, नहीं नहीं मैं ये नहीं ले सकती, रख लो आप। वो रोते हुए अंदर चली गई।
साड़ी व्यापारी ने साड़ी वहीं रखा और चला गया। पद्मावती थोड़ी देर बाद बाहर आई। उस साड़ी को उसने बाहर देखा और कहने लगी, हाय, ये साड़ी कितनी सुंदर है। साड़ी वाला शायद यहाँ भूल गया होगा, वो दोबारा आएगा तो कहूंगी मुझे मालूम नहीं, खरीदे बिना साड़ी मिल गई। ये कहकर उसने साड़ी उठाया और लेकर अंदर चली गई। थोड़े दिनों के बाद जैसे ही उत्सव पास आया, ललिता की माँ उसे देखने आए। उन्होंने नए कपड़े ललिता के लिए लाए। ये सब देखकर पद्मावती ने कहा, सिर्फ अपनी ही बेटी के लिए कपड़े लाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं विधवा हूँ, मेरा कोई काम नहीं। यदि मेरी पति होते तो ऐसा नहीं होने देते। अरे अरे भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही है, मैं तो आपके लिए भी नए कपड़े लाई हूँ, ये लीजिए। फिर उन्होंने एक साड़ी दिया। पद्मावती ने उस साड़ी को ले भी लिया। फिर वो कहने लगी, ये साड़ी तो 200 की भी नहीं लगती, छी। वो साड़ी लेके अंदर चली गई। ललिता और उसकी माँ को ये बात बहुत बुरी लगी। फिर उसकी माँ ने कहा, तुम कैसी इस लालची औरत के साथ जिंदगी बिता रही हो, मुझे पता नहीं, उन्होंने एक ब्लाउज के कपड़े तक आज तक नहीं दिया। मैं तो उनके लिए 1000 की साड़ी लाई हूँ, तब भी कह रही है कि 200 की है। उनकी बातें छोड़ो माँ, आप बताओ कैसी हो, आप खेतीबाड़ी का काम खुद से कर ले रही हो, बताओ ना माँ। मैंने एक आदमी को रखा है खेत में काम करने के लिए। वो दोनों बातें करने लगे। इसी बीच ललिता के माँ ने कहा, ये बताओ कोई खुशखबरी है, शादी के 3 साल हो चुके तुम्हारे, ऐसा लगता है मेरी सासू माँ मुझे माँ भी नहीं बनने देगी, वो तो ये सब चाहती भी नहीं है, पता नहीं मेरा क्या होगा। क्यों, क्या हुआ, उसने क्या किया? अब क्या होगा, अगर हमारे बच्चे होंगे तो खर्च भी बढ़ेंगे, और हमारे बच्चे तब होंगे जब मेरे पति करोड़ों कमाएंगे, यही सास ने कहा है। अरे ये किस तरह की बात है, रुको मैं बात करती हूँ। ललिता की माँ ने पद्मावती से बात किया। भाभी क्या ये न्याय है, माँ बनना हर लड़की की तमन्ना होती है, शादी और बच्चे जिंदगी की एक हिस्सा है। आपने कहा है मेरी बेटी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, कितनी बुरी बात है ये। हाँ ये मेरे लिए एक न्याय के तरह ही है, आजकल हमारे ही बहुत खर्च है, अगर बच्चे होंगे तो खर्च बढ़ेंगे, सिर्फ वही जानते हैं जो कमाते हैं। मुझे खुद पर दया आती है, मैंने ऐसे परिवार में अपनी बेटी को भेजा, हे भगवान मेरी बेटी को बचाओ। वो रोई और वहां से चली गई। माँ रुको, रुको तो, रह जाओ आज माँ, उसने बहुत विनती की ठहर जाने के लिए, पर ललिता की माँ वहाँ से चली गई। पद्मावती ने फिर कहा, जाने दो उसे, हमारा नाश्ता तो बच गया। फिर वो ललिता को बहुत गुस्से से देखने लगी। उधर ललिता अकेले बैठे बैठे मनी मन बहुत दुखी हो रही थी। हे भगवान ये क्या है, मेरे सास इतनी लालची क्यों है, वो हमें खुशी से जीने भी नहीं देती, कृपया उन्हें बदल दीजिए, मुझे ये सब बातें पति से कहना अच्छा नहीं लगता, हे भगवान कृपया उन्हें बदल दीजिए, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, अगर मेरी सासू माँ बदल गई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सब सोचकर वो बैठे बैठे बहुत दुखी हो रही थी। अगले दिन सुबह पद्मावती ललिता से कहने लगी, अरे ओ ललिता अभी तक उठी नहीं, सब काम बाकी है। वो ललिता के पास गई। ललिता को बुखार था, ये देखकर पद्मावती ने कहा, क्या तुम्हें बुखार है, रुको मैं अभी के अभी डॉक्टर बुलाती हूँ। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ललिता की जांच की और दवाइयाँ लिख कर दी। जांच करने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, काफी ज्यादा बुखार है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगा, जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिख कर दी। ये देखकर पद्मावती ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ये सारी दवाइयाँ कितनी की है जरा मुझे बताइए। लगभग 500 रुपए की होगी, ज्यादा नहीं। हे भगवान बुखार के लिए 500 रुपए? देखिए उन्हें जुखाम और बुखार है, हमें एक दिन में 3 बोतल सलाइन चढ़ानी पड़ेगी, ये बहुत कमजोर है, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है आप जा सकते हैं, मैं ख्याल रख लूंगी। कृपया सावधानी बरते, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ मुझे मालूम है, जब मैं आपसे मिलने आई थी तब मेरे पैरों में दर्द था, आपने कई दवाइयाँ दी थी पर मेरे पैरों का दर्द किसी दवाई से गायब नहीं हुआ, मैंने आपको 10 रुपए फीस भी दिया था। ठीक है दूसरी बार मैं आपको फीस दूंगी।
डॉक्टर साहब चले गए। फिर वो अंदर गई। अंदर जाके वो ललिता को बुखार का दवाई दी। ललिता दवाई ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा। वो दिन खत्म हो गया। ललिता का बुखार घातक हो रहा था, उसे डेंगू था। तभी भी पद्मावती को कोई फिक्र नहीं थी। दो दिन निकल गए। तीसरे दिन ललिता ने कहा, सासू मां, मेरी हालत ठीक नहीं है, कृपया मेरी माँ को बुला दीजिए या मेरे पति को बुला दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ललिता रोते रोते अपनी सासू माँ से विनती की, क्या अब हर किसी को इस बारे में पता होना जरूरी है? नहीं तो सब सोचेंगे मैं तुम्हारी ख्याल नहीं रख रही हूँ। सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं एक लालची औरत सोच के। मैं तो हर तरफ से बदनाम हूँ, मेरी फूटी किस्मत। पद्मावती ने ललिता की माँ को बुलाया। ललिता की माँ जल्दी आ गई ये खबर सुन के, और उसने ललिता को अपने साथ घर ले गई। चार दिन निकल गए। ललिता की माँ पद्मावती से कहने लगी, क्या तुम अभी खुश हो? क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है? तुम्हें बहुत खुशी मिल रही होगी। वो रोते रोते पद्मावती को कहने लगी, क्यों तुम इस तरह से बात कर रही हो? क्या हुआ? तुम्हारी लालच ने मेरी बेटी को मार डाला। तुमने उसके साथ अन्याय किया है। तुम्हारी परछाई भी मेरी बेटी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर तुम वहां आओगी तो मुर्दे पे डाला हुआ फूल के माले पे भी तुम मुद्दा बना दोगी। तुम ऐसी औरत हो। ये सुनकर पद्मावती ने कहा, क्या भाभी, क्यों ललिता मर गई? मुझे एक बार उसे देखना है। ये सुनकर ललिता की माँ ने कहा, भाभी मैं एक बार ललिता को देखना चाहती हूँ। पद्मावती रोते रोते ललिता के माँ से कहा, तुम बिल्कुल मत आना, नहीं तो तुम बस शिकायत करती रह जाओगी और वहाँ पे सबको परेशान कर दोगी। तुम्हारी परछाई भी मेरी बेटी के लिए खराब है। तुम मत आना, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। हे भगवान, माफ कर दीजिए भाभी, कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। मैं अकेली औरत हूँ, मेरी संचय करने की आदत ने मुझे लोभी बना दिया। मैं दिल से बुरी नहीं हूँ। इस बीच ललिता वहां आ गई। ललिता को देखकर पद्मावती ने कहा, ललिता तुम ठीक तो हो ना? उसे कुछ नहीं हुआ। एक दिन भी देर होता तो डॉक्टर ने कहा वो मर सकती थी, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से। अगर वो यहाँ रहती तो वो निश्चित रूप से मर जाती। तुम दोनों ने मुझे अच्छा शिक्षा दिया, अब मैं ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगी। ये मेरा वादा रहा, क्षमा करो मुझे। उस दिन से पद्मावती का स्वभाव बदल गया और वो खुशी खुशी सबके साथ मिलके रहने लगी।